अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हेलो एंड सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू लखनऊ का जायका। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हैदराबादी हलीम की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ये हलीम हम चिकन से बनाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हलीम टेस्ट नहीं किया है तो एक बार मेरे तरीके से बना करके ट्राई करें। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने इस रेसिपी को शेयर किया है। ये हलीम देखने में जितने ही मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में उतने ही जायकेदार हैं। सबसे पहले हम दालों को भिगो लेते हैं। तो एक टेबलस्पून तुअर की दाल है, मूंग की दाल, माश की दाल, मसूर की दाल और चने की दाल 1 टेबलस्पून। इसके साथ ही 2 टेबलस्पून मैंने बासमती राइस लिया है। साथ ही 1/2 कप मैं ऐड कर रही हूँ दलिया और 1/3 कप ऐड करेंगे जौ। सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश करके हमें 4 से 5 घंटे के लिए भिगा लेना है। तो मैंने जौ दलिया को अलग भिगाया है और दालों को अलग भिगाया है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कुकर में मैं ले रही हूँ 1/2 कप के करीब सरसों का तेल। इसमें 2 बड़े चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ घी। तो आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ज़ीरा, जो कि 1 टेबल स्पून है। 2 से 3 दालचीनी जाएगी, 8 से 10 काली मिर्चें और इसके साथ ही 7 से 8 लौंग ऐड कर देंगे। जैसे ही ये क्रैकल होना शुरू होंगे तेल में, मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप करके ऐड कर रही हूँ। इसे हमें गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई करना है। तो जब प्याज का कलर कुछ इस तरीके से आएगा, ये देखिए, जब कुछ इस तरीके से प्याज आपके ब्राउन हो जाएंगे, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। तो यहाँ 1/2 किलो मैं बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप चिकन की क्वांटिटी 200 ग्राम के करीब बढ़ा दीजिएगा। तो यानी कि आपको 700 ग्राम के करीब चिकन का इस्तेमाल करना है। तो चिकन को हम अच्छे से तेल के साथ फ्राई करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को हम इस चिकन के साथ अच्छे से भुनेंगे। तो अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कुछ मसाले। 1 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला। अब इन मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। इसके बाद मैं ऐड करूँगी दही। तो 1/2 कप के करीब दही ऐड कर देंगे और यहाँ फ्लेम को हमने लो कर दिया है। तो फ्लेम को लो करके ही आप दही को ऐड करें ताकि आपकी दही जो है वो फटे नहीं। तो ये देखिए, दही अच्छे से भून चुकी है और इसने काफ़ी ज़्यादा पानी भी रिलीज़ कर दिया है। तो अब इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर जो भी रोगन निकला है इसे हम सेपरेट कर लेंगे। इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे, इसे अलग करके हमें साइड रखना है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी दालें जो हमने भिगा के रखी थी। यहाँ पर जौ और दलिया भी ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। इसके साथ ही 1 लीटर पानी ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 4 हरी मिर्चें, ये तीखी वाली हैं। इसके साथ ही कुछ पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे, कुछ धनिया के पत्ते ऐड करेंगे। एक बार इसे और मिक्स करेंगे। इसके बाद ढक्कन लगा करके हाई फ्लेम पर 1 वेसल आने तक पका लेना है। उसके बाद हमें करीब 45 मिनट के लिए और धीमी आंच पर पकाना है। अब ये देखिए, 45 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को खोला है। इसे अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर एक मथानी का इस्तेमाल करूँगी और हमें इसे अच्छे से घोटना है, यानी कि हमें इसे अच्छे से मथना है। तो जो भी इसमें आपको खड़े मसाले दिखें आप इसे सेपरेट कर दें। तो यहाँ कुछ दालचीनी थी तो मैंने इसे निकाल दिया। अब इस पॉइंट पर मैं ऐड करूँगी पुदीने के पत्ते, हरी धनिया, थोड़ी सी फ्राइड अनियन और इसके साथ कुछ मसाले ऐड करेंगे पीसे हुए। तो 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। इसके साथ ही 2 से 3 बड़े चम्मच यहाँ पर घी का ऐड कर देंगे।
और इसे एक बार फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने पर अगर आपकी ये हलीम गाढ़ी लग रही हो तो आप इसमें दूध का ऐड करके इसे अच्छे से आपको मथना है जब तक ये बिल्कुल सॉफ़्ट नहीं हो जाते हैं। तो ये देखिए हमें इसे करीब घोटते हुए 8 से 10 मिनट हुए हैं और ये कुछ इस तरीके से हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ एक नींबू, फिर इसे मैंने फ्लेम पर रख दिया है और बिल्कुल धीमी आंच पर हमें इसे और करीब 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से घोट लेना है। तो ये देखिए मुझे कुल 15 से 20 मिनट लगे हैं और इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से आ गया। तो जब आपका हलीम इस तरीके से तैयार हो जाए तो ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आपको एक बार इसे करीब से दिखा दूँ कि किस तरीके से इसका इसमें ग्लेस आना चाहिए। तो ये जब तक ग्लेस नहीं आता है तब तक हलीम जो है मज़ेदार नहीं लगती हैं। तो आपको इतना मथना है कि कम से कम आपके जो टेक्सचर है वो इतने हो जाए। अब इसके बाद हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने का जो तरीका है ये मैं आपको बता देती हूँ। सर्व करने के लिए आप इसे पहले किसी भी प्लेट में या फिर बोल में ऐड करें। इसके बाद इसके ऊपर जाएगा जो हमने रोगन तैयार निकाल करके रखा था वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। और इसके बाद हमने इसमें ऐड करने हैं फ्राइड अनियन, हरी धनिया और कुछ पुदीने के पत्ते हों तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही जूलियन अदरक के साथ आप इसे सर्व करें। ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। एक बार बनाना तो ज़रूर बनता है। आप इसे ट्राई करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको चिकन हलीम की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।